अवैजी थ्योरम 10.6 इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल कौन से बताए थे मैंने, जिनकी रेडियस क्या होती है बेटा, सेम होती है। दो सर्कल है कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब दोनों की रेडियस सेम होगी। क्लियर है बेटा, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि अगर दो सर्कल हैं या एक ही सर्कल है उसमें दो कोड है, मान लो ये एक सर्कल है, ये दो कोड हैं जी, दोनों अगर इक्वल हैं, अगर दोनों कोड इक्वल हैं तो इनकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ये डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ए बी और सी डी दो कोड इक्वल हैं तो सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है ओ पी और ओ क्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये 10.6 थ्योरम है, प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अगर दो कोर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इफ कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देन दे आर इक्वल इन लेंथ। कि अगर दो कोर्ड की डिस्टेंस सेंटर से सेम है, ओपी और ओक्यू सेंटर से डिस्टेंस दो कोर्ड की इक्वल हैं, तो दोनों कोड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है सर, क्लियर है नहीं? आगे बढ़ रहा हूं। सेवन थ्योरम वही है जी, कोर्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल लेंथ। अगर दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। एग्जांपल टू, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोर्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव द कोर्स आर इक्वल। कि भाई अगर दो इंटरसेक्टिंग कोर्ड हैं, ये दो कोर्ड है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये दोनों कोर्ड जो डायमीटर इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो डायमीटर है, ये डायमीटर इनके साथ ये इक्वल एंगल बना रही है, तो आपको प्रूफ करना है दोनों कोड इक्वल है। तो हमें सिर्फ OL और OM को इक्वल दिखाना है। किसको इक्वल दिखाना है बेटा, OL और OM को। अगर OL और OM इक्वल हो गई तो आप कह देंगे कि AB और CD भी इक्वल है। OL और OM अगर इक्वल होगी तो कह देंगे AB और CD इक्वल है। ले रहे बेटा, तो दोनों ट्रायंगल ले रहे बेटा, ये वाले इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है जी। देखो ये 90-90 के एंगल इक्वल हो गए, एक ये साइड कॉमन हो जाएगी, आपको एंगल ये वाला और ये वाला चाहिए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं तो एंगल साइड एंगल से कर दो, ये तो एंगल साइड से भी कर सकते हो। सीधा दोनों ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ओ ई एल, इन ट्रायंगल ओ ई एल और ट्रायंगल ओ ई एम, दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, एक तो 90-90 के एंगल, एंगल ओ एल ई एंगल ओ एम ई दोनों 90 के, और एंगल ओ ई एल एंगल ओ ई एम ये दोनों इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, और ये क्या होगी, कॉमन होगी, ओ ई इक्वल्स टू ओ ई, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बाय एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए,
तो आप कह सकते हैं कि OL और OM इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, तो आप फिर कह सकते हैं कि ABCD के इक्वल थ्योरम कौन सी लगाएंगे, कॉस OL और OM जो है सेंटर से डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, कि अगर सेंटर से जो डिस्टेंस है अगर इक्वल हो जाती हैं दो कोर्ड्स की, तो दोनों कोर्ड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा, आओ जी, पहला क्वेश्चन तो छोड़ दो। सेकंड है, इफ टू इक्वल कोर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर दो इक्वल कोर्ड सर्कल की, दो इक्वल कोर्ड सर्कल की इंटरसेक्ट करिए सर्कल के अंदर, 10.4 ये सर्कल ले लिया जी, ये दो कोर्स ले ली, ए बी और सी डी, ये दो कोर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट पे, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोर्स इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है जी बेटा, ठीक है बच्चों, हमें प्रूव करना है द लाइन सेगमेंट, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोर्ड इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोर्ड, इस कोर्ड की जो पहली कोर्ड की जो सेगमेंट है, देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दो सेगमेंट बन रही है इसकी एपी और बीपी, जो एबी कोर्ड है उसकी दो सेगमेंट बन रही है एपी और बीपी, और दूसरे वाले की कौन सी बन रही है सीपी और डीपी, ये सेगमेंट्स हैं, तो जो दो सेगमेंट इसकी है एपी सीपी के इक्वल और बीपी डीपी के इक्वल, हमें शो करना है एपी सीपी के इक्वल और बीपी डीपी के इक्वल, क्लियर है बेटा, जो सेगमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगी, कोई डाउट? तो देखो जी, हमें जो दिखाना है वही दिखाना है एपी सीपी के इक्वल बीपी डीपी के। अब देखो, सबसे पहले एबी और सीडी दोनों इक्वल हैं, पहला पॉइंट, ये पूरी एबी और सीडी इक्वल है, ठीक है, मैं ये मिला रहा हूँ ओएल और ओएम, ओएल परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एम परपेंडिकुलर है, सॉरी ओ एम परपेंडिकुलर है ए इसके ए बी के और ओ एल परपेंडिकुलर है सी डी के। बेटा हमने थ्योरम पढ़ी थी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोर बाइसेक्ट द कोर, परपेंडिकुलर From center to chord bisect the chord, क्लियर है? तो ये जो परपेंडिकुलर है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, और ये जो ओ एम परपेंडिकुलर है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए एम इज इक्वल्स टू बी एम के, और ऐसी ओ एल सी डी के परपेंडिकुलर है, तो यू कैन से डैट सी एल इज इक्वल्स टू डी एल, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। यस सर। अब मैं इसको ओपी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ट्रायंगल ले रहा हूँ ये वाला, इन ट्रायंगल पी ओ एल और ट्रायंगल पी ओ एम, इन दोनों ट्रायंगल में पी ओ एल और पी ओ एम ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बेटा,
एक तो 90 का एंगल OLP OMP दोनों 90 के, उसके बाद OP के इक्वल कॉमन, और तीसरा OL OM के इक्वल। देखो दोनों कोण इक्वल हैं AB और CD, मैंने बताया था अभी आपको ये थ्योरम यहाँ पे कि भाई अगर दो कोण इक्वल हैं सेंटर से, यहाँ पे आ गया दिस वन, कि अगर ये दोनों कोण इक्वल हैं AB और CD तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है? हाँ जी, AB और CD इक्वल हैं तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होगी। सेंटर से डिस्टेंस क्या है, OL और OM इक्वल है। ठीक है जी, थ्योरम है हमारी 10 पॉइंट, कौन सी थी, 6। आप लिखेंगे इक्वल कोर्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये आप लिखेंगे, इसको छोड़ो। कोई डाउट बेटा, डाउट है किसी को? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS से, राइट एंगल, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड ये वाली। ठीक है जी, RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हैं PL इज इक्वल्स टू PMK। ठीक है, ठीक है जी, कोई डाउट बच्चों? ये AB का हाफ है और ये CD का हाफ है। नाउ AB CD के इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। AB का हाफ क्या है AM, CD का हाफ क्या है BM, ये थर्ड पॉइंट। AB का हाफ AM और ये CD का हाफ, सॉरी CL। तो अगर मैं CL और PL को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा, CL नहीं ले रहा सॉरी DL, और ये BM ले रहा हूँ। अगर मैं DL और PL को ऐड करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, अगर मैं PL और DL को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, BD दिखानी है DP, और ऐसी BM और PM को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ बेटा, DL प्लस PL BM प्लस PM, ये ऐड करा तो ये हमारा आया DP और ये ऐड करा तो आया हमारा BP। ये हमें दिखाना था DP BP के इक्वल। कोई डाउट बच्चों? AB में से अगर मैं BP माइनस करूँगा, AB में से BP माइनस करूँ तो क्या आएगा, AP, तो हम सब ट्रैक कर रहे हैं 4 फ्रॉम 1, 4 को 1 में से, तो AB में से BP माइनस करा और CD में से DP माइनस करा, तो यह हमारा AP और यह आया CP। ये कि आपको प्रूफ करना था और एक ये प्रूफ करना था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, उसमें ये सब नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समझा देता हूँ क्या है। थर्ड, इफ टू इक्वल कोर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, कि अगर दो इक्वल कोर्स सर्कल की
इंटरसेक्ट करिए सर्कल में, जैसे ये दोनों इक्वल कोर्ड थी ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी सर्कल के अंदर पी पॉइंट पे, दो इक्वल कोर्ड हैं ए बी और सी डी, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, इन द सर्कल, सर्कल के अंदर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा बेटा, ये वाला, प्रूव करना लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद सेंटर, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर मेक इक्वल एंगल विद कोर्ड, कि ये जो लाइन है सेंटर से मिलाने वाली इंटरसेक्शन पॉइंट को, वो कोर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब मुझे ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं, तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे यहां तक सेम। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीडी से कह देंगे भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, क्लियर है, एंगल ओपीएल इज इक्वल्स टू एंगल ओपीएम बाय सीपीसीडी, क्लियर है बच्चों, ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है। ये आपको दिखाना है, ठीक है जी, ये सब कुछ नहीं करनी जरूरत नहीं है, सीधा आप ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो जी, इतना सा क्वेश्चन है, कोई डाउट, नोट करना है, ये नोट करना है जी। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, ये एक लाइन है, दो कंसेंट्रिक सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों का सेंटर सेम है ओ, ए बी सी डी पे, आपको ए बी और सी डी इक्वल दिखाना, हम क्या करेंगे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू लाइन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब पहले मैं छोटे वाले सर्कल की बात करता हूं, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू सर्कल बाइसेक्ट द कोर्ड, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो कोर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो आप कह सकते हैं बी एल और सी एल इक्वल, कोई डाउट, पहले छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, बड़े वाले सर्कल में भी ये कोर्ड है एडी और ये परपेंडिकुलर, तो बड़े वाले सर्कल के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं ए एल इक्वल्स टू डी एल, सेम थ्योरम लगी, पहले छोटे वाले सर्कल में ये थ्योरम लगाई, फिर बड़े वाले सर्कल में थ्योरम लगाई, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, सबट्रैक्ट करा हमने वन फ्रॉम टू, तो ए एल माइनस बी एल और ऐसे डी एल माइनस सी एल, ए एल में से बी एल माइनस करेंगे ए बी आएगा, डी एल में से सी एल माइनस करेंगे सी डी आ जाएगा, यही आपको प्रूव करना था, क्लियर है बच्चों। फिफ्थ और सिक्स्थ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park, एक पार्क में सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, जिसकी रेडियस 5 मीटर है, तो तीन लड़के हैं रेशमा सलमा और मनदीप, रेशमा यहां खड़ी है, सलमा यहां, मनदीप इधर, ऐसे सर्कल के किनारों पे खड़ी है, ठीक है जी, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, रेशमा थ्रो कर रही है बॉल सलमा को, सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को। क्वेश्चन में क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा
एंड सलमा एंड मनदीप, मान लो सलमा यहाँ होगी, रेशमा और सलमा, और सलमा और मनदीप, इनकी डिस्टेंस दोनों की 6-6 मीटर है, ठीक है जी। तो कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों आप लोगों को? तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, ये सलमा, रेशमा, मनदीप, ये सेंटर हो गया जी इसका। रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप की जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। हमें रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस निकालनी, यानी कि रेशमा सलमा, सलमा मनदीप की डिस्टेंस है 6 मीटर, हमें रेशमा मनदीप की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये सेंटर हो गया, रेडियस दे रखी है आपको कितनी जी, 5 मीटर, तो ये 5 हो गया। यस यहाँ पे है, इसको इससे मिलाया तो ओ एस और ओ एम दोनों हमारे 5 मीटर हो जाएंगे, ये रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है बेटा, ठीक है। ओ एस जो है परपेंडिकुलर होगा आर एम के, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। इसको मैं पी ले लेता हूँ, पी पे, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर मिलाते हैं, ये कोड है आर एम, आर एम कोड है, ये सेंटर से मिलाया तो कोड को बाइसेक करेगा ये पी एम, और पी आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक्स ले लिया इन दोनों को, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है बच्चों। ओ पी को ले लिया मैंने वाई, ये वाई ले लिया, तो पी एस कितना हो जाएगा, ओ एस माइनस ओ पी, यानी कि 5 माइनस वाई, ये जो हिस्सा है 5 माइनस वाई आ जाएगा, इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इतना क्लियर है सबको कैसे कैसे साइड ली, ये 5 है, ये पूरा 5 है, इतने को मैंने वाई ले लिया तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, क्योंकि पूरा 5 है, ये दोनों इक्वल रहेंगे बिकॉज ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से होगा इन ट्रायंगल POM, तो इन ट्रायंगल POM हमने पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है बेटा एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच यानी कि हाइपोटेन्यूस, ये हमारा एच हो जाएगा, ये P हो गया और ये बेस हो गया, ये 5 है, ये हमारा वाई स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर, तो आई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। कोई डाउट किसी को? अब ट्रायंगल ले रहा हूं एस पी एम, इस ट्रायंगल में भी हमने पाइथागोरस लगाई, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये एच हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एस पी, और बेस हमारा वही पी एम होगा, 6 का स्क्वेयर, एस पी हमारा 5 माइनस वाई का होल स्क्वेयर,
पीएम हमारा एक्स किया। 36 इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म लगाएंगे ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो 36 25 माइनस 10y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू क्या है यहां रख देंगे प्लस 25। तो 50 माइनस 10y आया जी, 36 के 10y इधर ले आऊंगा और 36 उधर ला जाएगा, 10y आएगा हमारा 14 के, y आया 14 अपॉन 10, 7 अपॉन 5, y की वैल्यू ये आ गई। पुट कर देंगे फर्स्ट में, x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दिया 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 49/25 इज इक्वल टू 25 उधर ले गया, एलसीएम लिया मैंने 25, मल्टीप्लाई करूंगा 625 माइनस 49, 576 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर आया, एक्स आएगा इसका अंडर रूट 24/5, 4.8 meter, एक्स आ गया, ये भी एक्स है तो आर एम क्या होगा, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x, हमें तो आर एम निकालना था, एक्स और एक्स 2x हो गया पूरा, यानी कि 2 × 4.8 9.6 meter रेशमा मंदीप की डिस्टेंस। सिक्स तो और बता रहा हूँ फिर एक साथ ही नोट कर लेना। सिक्स क्वेश्चन, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 meter इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 meter, कॉलोनी में है, सिचुएटेड है। 3 बॉय अंकुर सैयद एंड डेविड सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ये तीनों बराबर बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं बाउंड्री के ऊपर, पार्क की बाउंड्री पे। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। तीनों के पास एक टॉय टेलीफोन है बात करने के लिए, हमें उसकी जो लेंथ स्ट्रिंग निकालनी है फोन की, फोन जो जिस से जुड़ा हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है? तो ये तीन फ्रेंड है, अंकुर सैयद और जावेद, ये तीन फ्रेंड है, अंकुर सैयद और जावेद ये तीन दोस्त हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, एएस एजे और एसजे तीनों इक्वल हैं, तीनों को मैंने एक्स मान लिया, ए बी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये मिलाऊंगा ये सेंटर आ जाएगा। ठीक है जी, ट्रायंगल ए एस जे इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए डी इज परपेंडिकुलर टू एस जे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेंट्रोइड होगा। तो ओ इज व्हाट, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए एस जे, क्लियर है? ओ क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, ध्यान रखना है जी। कोई डाउट? डाउट है जी किसी को? ये याद रखना है, सेंट्रोइड होगा ओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो सेंटर होगा वो सेंट्रोइड होगा। क्लियर है बच्चों? दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल,
क्या होता है ये सर्कम सर्कल जो ठीक है ट्रायंगल का सर्कम सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाता है, और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो पॉइंट होगा जो सेंटर होगा वो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंट्रोइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। तो सेंट्रोइड जो है यानी कि ये जो सेंट्रोइड है वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, डिवाइड्स एडी इन 2:1 रेशियो। तो इसलिए आप ध्यान रखना ओ ए या ओडी की बात करूं, ओडी जो होगा ओडी 1 है अपॉन टोटल 3 हो जाएगा, 1+2 3 ऑफ एडी, ओडी इज 1/3 ऑफ एडी, ये ध्यान रखिएगा आप। ओडी जो है इस पूरे का 1/3 होता है, और ओए जो होगा वो 2/3 होगा पूरे एडी का, ये ध्यान रखना जी आपको, ठीक है, ठीक है जी। तो इसको मिलाया हमने, ये रेडियस है बेटा कितनी है रेडियस, इसकी रेडियस कितनी बोल दी थी 6 5 20, ये 20 है रेडियस। तो देखो जी इन ट्रायंगल ओ एस डी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई हमने, थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज एच, ये पी और ये बी, एस डी जो हो गया पूरा एक्स है तो एस डी हो जाएगा एक्स अपॉन टू, 400 ओ डी ऐसे ही लिख रहा हूं अभी मैं, एस डी एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, पहला पॉइंट, या अभी सोल्व करते हैं इसको, 400 ओडी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, पहला पॉइंट। अब ट्रायंगल लेते हैं ये पूरा ADS, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि 90 का बना हुआ है, इसमें भी पाइथागोरस लगाई, ये हाइपोटेन्यूस AS, ये परपेंडिकुलर AD और ये बेस SD, ठीक है। यहां से मैंने OD की वैल्यू निकाल दी थी, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आया जी OD स्क्वायर। AD क्या है, AD बेटा यहां से निकालेंगे AD 3 OD के, हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एस डी क्या है एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। कोई डाउट बेटा, डाउट है? नो सर। ए एस एक्स है, ए डी की वैल्यू यहां से निकाली और एस डी हमारा एक्स बाय टू है, एक्स स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर 9, ओ डी का स्क्वायर एक्स अपॉन टू का स्क्वायर फ्रॉम 1, ओडी स्क्वायर की वैल्यू निकाली यहां रख दी, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4
आईडी एक्स केयर सोल्व करूंगा, ब्रैकेट खोला बेटा, 3600 नाइन एक्स केयर बाय फोर प्लस एक्स केयर बाय फोर, 3600 इसको दोनों को सोल्व करा, माइनस एट एक्स केयर बाय फोर आएगा, एक्स केयर इक्वल्स टू 3600 माइनस टू एक्स केयर, ये इधर ले आऊँगा ऐड कर दूंगा, एक्स केयर प्लस टू एक्स केयर, थ्री एक्स केयर, एक्स केयर आया बेटा 3600 अपॉन थ्री 1200, एक्स आएगा इसका अंडर रूट कितना होगा बेटा, 4 12 20 रूट थ्री एक्स, एक्स क्या है बेटा, ये लेंथ है, तो लेंथ आ गई थी 20 रूट थ्री मीटर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट?